नामकरण में शुरू हुआ सायशा का नया तमाशा। जी हाँ, एक बार फिर पूरे परिवार और अवनी को परेशानी में डालकर सायशा घर छोड़कर भाग गई है और सायशा की इस हरकत से सबसे ज्यादा दुख अवनी को पहुंचा है। लेकिन सभी अवनी का पूरा साथ दे रहे हैं। नील भी अवनी के इन मुश्किल हालातों में उनका साथ दे रहे हैं। इतना बड़ा स्टेप ले सकती है, मेरे इतने समझाने के बाद भी। सायशा तो सही और गलत का फर्क भूल ही बैठी है। उन्हें तो अपनी जिद के आगे कुछ भी नजर नहीं आता और यही सारी बातें अवनी अब सभी को समझाने की कोशिश कर रही है। नहीं सम्राट, हमारी बात मनवाने की हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते ना। फिर हमारे ओपिनियन में चाहे वो सही हो या गलत, क्या सही है क्या गलत ये सायशा को खुद समझना होगा। चलिए नील से ही जानते हैं कि आखिर इस बार सायशा कौन सी नई मुसीबत खड़ी करके भागी है। सायशा गायब हो चुकी है। हाँ, पीछे से भाग चुकी है एक्चुअली, और हमें नहीं पता कि वो सायशा गई कहाँ एग्जैक्टली, क्योंकि वो जाती उस टाइम पे जब अवनी घर छोड़ के जा रही होती है। और अब आई थिंक एक बार पहले भागी थी तो ये सारी इतनी सारी दिक्कतें हो गई थी, अब वापस भाग गई है वो। तो आई थिंक पूरी फैमिली जो है वो बहुत ही परेशान है इस टाइम पे। Well, हम तो बस यही कहेंगे कि जल्द ही सायशा को अच्छे और बुरे में फर्क समझ में आ जाए, ताकि अवनी की कुछ तो मुश्किलें कम हो जाए।